बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे धाकड़ अभिनेताओं में दो अभिनेताओं का नाम शुमार है, जिनका नाम सनी देओल और अभिषेक बच्चन है। जहां आज भी सनी देओल भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हो, लेकिन बावजूद इसके ये अपने लेटेस्ट खबरों के लिए लाइमलाइट का हिस्सा बने ही रहते हैं। तो वही अभिषेक बच्चन भी बच्चन परिवार के वारिस होने की वजह से ढेर सारी सुर्खियां बटोरते हैं। इसी के साथ इन दोनों अभिनेताओं के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग और रिश्ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक समय पर अभिनेता सनी देओल और अभिषेक बच्चन के बीच जीजा साले का रिश्ता जुड़ने वाला था, जहां अभिषेक बच्चन सनी देओल के जीजा बनने वाले थे, तो वही सनी अभिषेक के साले। मगर किसी वजह से इन दोनों का रिश्ता नहीं जुड़ पाया। तो आखिर क्या है वो वजह जिस कारण से इन दोनों अभिनेताओं के बीच जीजा साले का रिश्ता नहीं जुड़ पाया? तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस वजह से अभिनेता अभिषेक बच्चन नहीं बन पाए सनी देओल के जीजा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही अपने फेवरेट अभिनेताओं के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नजर आने वाले कई ऐसे कलाकार हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं, और इसी के चलते वो अपने रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलने के बारे में भी सोचते हैं। इन्हीं में से एक है मशहूर अभिनेता सनी देओल की सौतेली माँ हेमा मालिनी, और दूसरे है अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन। जैसा की आप सभी जानते हैं, सनी देओल की दो सौतेली बहने हैं। इसी के चलते हेमा मालिनी अपनी बड़ी बेटी ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन से कराना चाहती थी, क्योंकि हेमा और अमिताभ के बीच भी काफी अच्छे रिश्ते थे, जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिस वजह से हेमा मालिनी अपने इस रिश्ते को एक खूबसूरत रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभिषेक बच्चन बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे उनकी बेटी ईशा देओल के लिए। इस तरह से सनी देओल और अभिषेक बच्चन एक दूसरे के जीजा साले बनने वाले थे, लेकिन ईशा देओल ने अभिषेक बच्चन से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अभिषेक बच्चन एक फेमस एक्टर नहीं, इस वजह से उन्हें अभिषेक से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बात उन्होंने खुद करण जौहर के शो में कही थी कि मेरी माँ को अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे लगते हैं, मगर मुझे भी वो एक दोस्त की तरह पसंद है, मगर मुझे उनके साथ शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं अभिषेक बच्चन को हस्बैंड नहीं बल्कि भाई बनाने के बारे में जरूर सोच सकती हूँ, जिसकी वजह से देओल फैमिली और बच्चन फैमिली एक ना हो पाए। बस यही वो वजह है जिस कारण से अभिनेता सनी देओल और अभिषेक बच्चन जीजा साले बनते बनते रह गए। वही बात करें ईशा देओल की शादीशुदा लाइफ के बारे में, तो उन्होंने मशहूर बिजनेसमैन भरत तख्तानी से साल 2012 में शादी की है, जो कि एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे, जिसके बाद उनकी दो बेटियां हुई, जिनमें से एक का नाम राधा तख्तानी और दूसरे का नाम मीरा तख्तानी है, जिसके बाद से ईशा देओल एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते थे कि ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन से हो जाए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।